बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन स्कीम्स में से आए गए हैं जो कि बजट में इंट्रोड्यूस होती है सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट अब बजट में एंड इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुई है वो हम टॉपिक्स आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं सो फॉर एग्जाम्पल एंजल टैक्स के बारे में फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स

Tactics. so we all are aware of what are startups okay i apologize for that so we all are aware of what are startups any company or any firm जिस्टर्ड इन द कंपनीशिप एक्ट और इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड फॉर टेन ईयर्स इनको बोला जाएगा स्टार्टअप राइट सो फर्स्ट फॉर फर्स्ट टेन ईयर्स फर्स्ट इससे पहले सेवन ईयर्स तक था नाउ इट हेज बिन एक्सटेंडेड टू टेन ईयर्स फॉर टेन ईयर्स के लिए इन ऑर्गेस को जो यहां पर रजिस्टर्ड है फर्स्ट टेन ईयर्स के लिए दे विल बी कॉल्ड स्टार्टअप कंसिडरिंग इनका टर्न ओवर इज नॉट मोर देन हंड्रेड करोर राइट इनका टर्न ओवर इज नॉट मोर देन हंड्रेड करोर दीज आर नट स्टार्टअप अब स्टार्टअप जो है इट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी वाई बिकॉज दे नॉट ओनली एम एट अर्निंग प्रॉफिट विच विल ऑब्वियसली इंक्रीज द जीडीपी बट एट द सेम टाइम कैपिटल जेनरेशन जब कैपिटल जेनरेट होगी जीडीपी इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट

दे आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूजर्थ इंडिविजुअल से दीज स्टार्टअप फॉर इन्वेस्टमेंट्स दीज आर एंजल इन्वेस्टर्स हुई नेटवर्थ इंडिविजुअल और एंजल फंडस्टर्ड बाई से तो इनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स तो जो ये एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं सर्टन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप उस पर टैक्स लगाया जाता है विच इज एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बट ब्रॉडली दिसंजल टैक्सर दलेंडमेंट ऑफ इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट इन टू थाउजेंड ट्वेल्व इनकम टैक्स एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व में अमेंडमेंट लाई गई थी अंडर सेक्शन सिक्स टू एंजल टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओके okay. सो so, इसमें क्या होता है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अनलिस्टेड कंपनी व्हिच इज यूजुअली अ स्टार्टअप एंटरप्राइज इन रिसीट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज अबव द फेयर फेयर वैल्यू ये वैल्यू क्या है ये भी समझेंगे विल हैव टू ट्रीट द एक्सटर्नल कैपिटल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट विल बी टैक्सेबल तो होता क्या है जब ये एंजल इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन होती है वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप अब ये वैल्यूएशन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू पे विच इज द फेयर वैल्यू फेयर फेयर वैल्यू कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नेट एसेट वैल्यू तो ये दो तीन मेथड होते हैं फॉर वैल्यूएशन नेट एसेट वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो फेयर वैल्यू ये कुछ मेथड है नाउ समाइम्स वोट है गवर्नमेंट वॉन्ट्स की फेयर वैल्यू पे ही फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर उनकी वैल्यूएशन हो और उसके अकॉर्डिंग ओनरशिप मिले फॉर एग्जाम्पल लेट से स्टार्टअप एंड एस पर नेट एसेट वैल्यू इन्वेस्टर्स ने इसकी वैल्यू निकाली टेन करोड़ की राइट एंड नाउ दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर फिफ्टी परसेंट विच इज फाइव करोर या टेन करोर की इनकी वैल्यूएशन निकली दे इन्वेस्टेड फाइव करोर फॉर फिफ्टी परसेंट बट एज पर गवर्नमेंट एंड एज पर द फेयर मार्केट वैल्यू देयर वैल्यूएशन वॉज लेट से फाइव करोर एंड एज पर दिस जो फिफ्टी परसेंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फिफ्टी परसेंट इक्विटी के अकॉर्डिंग फिफ्टी परसेंट ओनरशिप अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए दे गिव फाइव 5 करोड़। 50% ओनरशिप चाहिए सो दे गिव पर गवर्नमेंट फॉर 50% परसेंट ओनरशिप दिस इन्वेस्टर शुड करोड़ एज पर राइट सो नाउ इसका जो डिफरेंस है 5 करोड़ करोड़ 2.5 का जो difference है, उस डिफरेंस पे टैक्स लगता है फेयर वैल्यू ज टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर के अंदर उस पे टैक्स लगता है विच इज वैल्यू के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इट इज कवर्ड इट इज टैक्स अंडर फ्रॉम अदर सोर्सेस ओके बट इसमें कुछ एग्जेम्पन भी है टू में फाइनेंस मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूसड सर्टन एग्जे फर्स्ट एग्जैम्शन वॉज इफ एनी स्टार्टअप इज रजिस्टर्ड Under the DPIIT, which is Department of Promotion of Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So, is under Agarko startup registered hai, not certified, registered. Registered hai, then they are exempted. And uske they just have to apply to the DPIIT and they have to submit their returns and documents to CBDT, Central Board for Direct Taxes, which further has the right to decline the exemption status for a company.

मार्केट वैल्यू सो अर्यर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अ मर्चेंट बैंकर मस्ट सर्टिफाई द स्टार्टअप फेयर मार्केट वैल्यू बट दिस वॉज मेड अवे टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन में ये रूल को हटा दियाऑफ अ मर्चेंट बैंकर हु विल सर्टिफाई दिस रूल दर्ड वन जो इन्वेस्टर है द लोअर लिमिट वॉज सेट फॉर द इन्वेस्टर इन्वेस्टर की नेटवर्थ शुड नॉट एक्सीड टू करोर And the average income for last three years should not increase fifty lakh, right? Okay. Now, the tax, the angel taxes are thirty point nine percent. The investment over and above the fair market value are taxed at thirty point nine percent. Now, as per the economic survey, over eighty thousand DPIIT registered startups will not come within the tax purview because of exemptions. अभी कि डीपीआई में अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है यू आर एग्पेड सो एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप अभी भी जो है बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर द डीपीआईटी दे डू नॉट कम अंडर एंजल टैक्स नाउ अब ये जो अमेंडमेंट आई है दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में जो अमेंडमेंट आई है

तो इंडियन कंपनी कभी कभी क्या करती है flip. Flip में क्या होता है अपनी सारी ओनरशिप टू एन ओवरसीज एंटिटी को दे देते हैं टू एनी कंपनी वर्किंग ओवरसीज उसको कहते हैं फ्लिपिंग पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट इज फ्लिपिंग फ्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटायर ओनरशिप ऑफ एन इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी दिस इज अ कंपनी बाय ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑल द डेटा व्हिच वाज ओन्ड बाय द इंडियन कंपनी

Changes in rules regarding round tripping and the growing maturity of India's capital market. India's capital market is becoming mature as per the economic survey. So up is mein kya hota hai? flipping. Mein kya hota hai? This statement is talking about flipping. This effectively transformed the Indian company into a 100% subsidiary of a foreign company. This was also done by Flipkart. They could have given it to an Indian firm as well, an Indian entrepreneur working in India, but गेव इट टू वॉलमार्ट तो उन्होंने पूरा अपना हंड्रेड परसेंट सब्सिडी बन गए इंडियन स्टार्टअप्लोरिंग दिस इज फ्रॉम द इकोम स्टार्टअप्लोरिंग रिवर्सिपिंग और दे आर शिफ्टिंग डोमिसाइल बैक टू इंडिया दिस इज ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट राउंड ट्रिपिंग के रूल okay. so में ईज uh, हो रहा है ग्रोइंग मेचोरिटी ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट

बायर्स एंड मार्केट ताकि वो एक मार्केट क्रिएट कर सके बाहर सो दीज आर सर्टन पॉइंट जिनकी वजह से कंपनी वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं टैक्स लॉस ईजी है फंडिंग मिल जाती है इन्वेस्टर्स उनके बाहर है एंड ऑल्सो बिकॉज जो मार्केट है वो बाहर की ज्यादा अट्रैक्टिव है सो फंडिंग लैकेज हो रहा है फॉर स्टार्टअप

गुड न्यूज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुई थी इन द न्यू बजट न्यू एंड ओल्ड रिजीम क्या होता है हम वो समझेंगे एंड ये, ये, ये जो डिफरेंस है यह सबसे ज्यादा होता है टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स जो स्लैब रेट पे लगता है सी इन इंडिया वी है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इट right? जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स आप पे बढ़ता रहेगा तो कुछ स्लैब रेट्स होते हैं उस पर आपका टैक्स लगता है फॉर एग्जाम्पल इफ योर इनकम इज बिटवी जीरो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी नेक्स्ट टू फिफ्टी टू फाइव लाख में फाइव परसेंट है दिस इज फॉर इंडिविजुअल्स रेजिडेंट सीनियर सीनियर एंड सुपर इंडिविजुअल तो ये दिस इज ओल्ड रेजीम दिस इज ओल्ड रेजीम ऑफ टैक्स इन इंडिया लाइक आई सेट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है एंड स्लैब बेसिस पे होता है जो नेक्स्ट आपकी इनकम जिस स्लैब पे जैसे जैसे जाती रहेगी यू विल बी टैक्स मोर सो दिस इज द ओल्ड रेजीम एंड दिस इज द न्यू रेजी इफ यू सी जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है दैट इज ऑन द स्लैब रेट स्लैब के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू में अनादर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम इज दैट ओल्ड टैक्स रेजीम में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बहुत ज्यादा डिडक्शन मिलते हैं

में कुछ ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलते हैं बट ऐसे एक टैक्सेबल इनकम आपकी निकलती है सो so, दो डिफरेंस जो मेजर डिफरेंसेस हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में वो ये है फर्स्टली द स्लैब रेट इज डिफरेंट परसेंटेज इन दी स्लैब रेट इज डिफरेंट एंड सेकेंडली जो ज्यादा डिफरेंस है दैट इज ऑन डिडक्शन राइट अब जो चेंज आया है इन दिस बजट इज इन द न्यू टैक्स रिजीम दो चेंजेस लाए हैं गए हैं द फर्स्ट इज दिस न्यू टैक्स रिजीम इज शिफ्टेड द स्लैब रेट इज चेंज क्या चेंज आया है पहले जो आपका नील थी जीरो टैक्स रेट आपका कब तक लगेगा वेन योर इनकम लेस टू लैख्टी बट योर इनकम सारे स्लैब रेट्स में भी ऐसे ही चेंज आया है टू फिफ्टी सिर्फ थ्री लैक हो गया है मिनिमम फॉर फाइव परसेंट सो ये टैक्स स्लैब में चेंजेस आए हैं इन दिस न्यू रिजीम चेंज दिन ब्रॉट इस अंडर इस अंडर सेक्शन एटी सेवन ए सो इस न्यू टैक्सि एक एटी सेवन ए सेक्शन आया था जिसके अंदर इफ योर इनकम इज मोर देन फाइव लाख इज लेस देन फाइव लाख देन यू विल गेट अ रिबेट एंड यू विल नॉट हैव टू एनी टैक्स तो आपको एक रिबेट मिलता है एंड यू डू नॉट हैनी टैक्स this was under section 87a in the new tax regime but this has now been increased to 7 lakh this has now been increased to 7 lakh so the rebate limit has been increased from to 7 lakh from earlier 5 lakh in the new tax regime under section 87a and the basic exemption limit which i just told you jo nil amount hota hai, this has been this has been increased to 3 lakh ये आप प्लीज लिख लीजिएगा और आई विल मेक द चेंजेस इन द फाइनल पीडीएफ सो द बेसिक एग्जemption लिमिट जो कि नील अमाउंट हो गया है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू थ्री लाख एंड सेवन ए के अंडर जो रिबेट मिलता था पहले दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम फाइव लाख टू सेवन लाख लेट्स सी इन द न्यू टैक्स रेजिम तो न्यू टैक्स रेजिम में अभी तक क्या होता था इफ

your income is less than 7 lakh. so your income is if your income is less than 7 lakh in the new tax regime aapka, aapko rebate mil and you do not have to pay any tax okay let's see what uh, is the difference between the new and old tax regime and why was it introduced so in the financial year 2021 this new uh, tax was introduced this new tax regime was introduced for hindus and uh, hindu undivided family and individuals so while the old tax regime has exemptions and deductions under the numerous sections the new tax regime gives you flexibility and it uh, has a simple tax process okay so the indian income tax levies tax on individual taxpayers based on the income or profit earned by them which is commonly known as taxable income okay

फाइव 15069 करोड़ फ्रॉम थर्टीन करोड़ नाइन इसकी एलोकेशन चेंज हो गई है. हैलिमिलर स्कीम फॉर गारमेंट्स तो ये स्कीम जो है सिमिलर है टू द रॉट टिप स्कीम बट द स्कीम इज फॉर गारमेंट्स इसमें क्या चेंज आया है दिस हैजिन एटी फोर जीरो फाइव करोर फ्रॉम

इजेशन और योर फर्म इज एक्सपोर्टिंग गुड्स तो जब आप इंपोर्ट करते हैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और जब आप एक्सपोर्टर है इफ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग जब आप एक्सपोर्ट करते हैं फॉर प्रोडक्शन और फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल और फॉर प्रोडक्शन जो आपने टैक्सेस दिए होते हैं वो अब आपको रिमिट कर दिए जाते हैं और रिफंड कर दिए जाते हैं स्पेशली इफ यू आर एन एक्सपोर्टर राइट तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम लाई थी इन द ईयर 2020 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक रिफंड रूट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है जो आपने इनपुट पे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल पे या जो आपने प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दिया होगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा राइट right? इनपुट पे आपको रिफंड मिल जाएगा अंडर दिस स्पेशली फ्यर एन एक्सपोर्टर सो टू हेल्प एक्सपोर्टर्स इन रीडिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दीज आर सर्टन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम

एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम अब उसी स्कीम के अंदर उसी स्कीम को रिप्लेस करके अंदर जो बेनिफिशरी टू थ्री एंड फाइव परसेंट ऑफ देयर एक्सपोर्ट वैल्यू मिल रहा था दीज विल नाउ बी इंक्लूडेड इन द रॉड टेप स्कीम देर इज नो मिनिमम टर्न ओवर क्राइटेरिया इन दिस रॉड टेप स्कीम एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो स्कीम है दिस इज फॉर गुड्स नॉट फॉर सर्विस गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो इंक्लूडेड प्लेटफॉर्म परिजिटली अगर आप गुड्सो बी इंक्लूडेडर द रॉटेप स्कीम ऑल्सो कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ दिज एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट शुड बी इंडिया एंड री एक्सपोर्टेड गुड्स आर नॉट एलिजिबल री एक्सपोर्टेड गुड्स आर नॉट एलिजिबल मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कंट्री से एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया सेम प्रोडक्ट तो री एक्सपोर्टेड गुड्स जो है वो नहीं अलाउड होंगे अंडर दिस स्कीम द स्कीम इज फॉर गुड्स सिमिलरली एक दूसरी स्कीम है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स लीवाइज ये जो स्कीम है दिस वर्क फॉर गार्मेंट एंड मेडअप सो दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो स्कीम लॉन्च करी गई थी दिस वॉज दिस

They will be exempted under, they will get remission uh, under the Rottep scheme. So, other textile products which are not covered under this scheme will avail benefits under the Rottep scheme. Okay, this brings us to the end of today's session. What are important topics aaj humne hai, which were talked about in the budget and also in economic survey? Let's look at the questions. As per the economic survey, which of the following are several challenges faced by startups? Good question. Funding hurdles, revenue generation struggles mentioned in the economic survey. Easy access to supportive infrastructure? No. Lack of easy access to supportive infrastructure. A complex regulatory tax environment? True. Which of the following is described in the statement below? Under this, any listed company, any startup enterprises in receipt of investment which is above the fair value will have to be treated will have to treat the extraneous capital under income from other sources, which would be identified and taxed. Which tax are we talking about here? I hope everyone knows the answer. Hoga. Okay. The third question is, which of the following statement is our correct about new budget? Introductions. The ambit of angel tax will now include taxes on capital raised by non-resident investors. True. The allocation to the ROTEP scheme is increased by 10% to 15069 crore. True. Allocation of ROSCTL scheme has been increased to 7469 crore. No. This was earlier 7461 crore was earlier. Now it has been more than 8000 crore. Which of the following ministry announced the refund of remission of duties and taxes on exported product scheme? This is Ministry of Commerce and Industry as per economic survey which of the following several challenges I think we have already done this question yes we have already done this question this was the first question itself okay so this brings us to the end of session thanks for watching I hope you're preparing for your exams all the best thank you